Hello friends, welcome to Pharma Tutor. Today we'll discuss about important antidotes which are frequently asked in GPAT, NIPA, DI and state pharmacist exams. So let's get started. So friends, आज की वीडियो में हम different important antidotes discuss करेंगे जो कि अक्सर GPAT, NIPA, DI और different state pharmacist exam में पूछे जाते हैं. So पहले हमें ये समझना होगा कि antidote होते क्या हैं. एंटीडोट एक ड्रग भी हो सकता है, चिलेटिंग सब्सटेंस हो सकता है या फिर एक केमिकल हो सकता है. मेनली एंटीडोट का एक्शन क्या है, इसका रोल क्या है. ये किसी दूसरे ड्रग या पॉइजन की वजह से जो पेशेंट के अंदर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स या टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उन एक्शंस को ये काउंटर एक्ट करता है या फिर न्यूट्रलाइज करता है. एक तरीके का एंटागोनिस्ट है, इसलिए एंटीडोट है ये. एंटीडोट अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे शो करेंगे. कोई भी ड्रग या फिर पॉइजन हुआ उसके साथ एंटीडोट की बाइंडिंग होगी और वो उस पॉइजन का जो पॉइजनिंग इफेक्ट है, जो टॉक्सिक इफेक्ट है, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा. तो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर इंपॉर्टेंट एंटीडोट्स पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में. जैसे कि वारफरिन की टॉक्सिसिटी में विटामिन के का यूज़ होता है. सैलिसिलेट जैसे कि एस्पिरिन हो गए, इनकी टॉक्सिसिटी में हम एक्टिवेटेड चारकोल दे सकते हैं पेशेंट को. डोपामाइन की अगर टॉक्सिसिटी होती है तो इस केस में हम पेशेंट को फेंटोलामाइन प्रिस्क्राइब करते हैं. आयरन सॉल्ट्स की अगर टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो हम पेशेंट को डेसफेरोक्सामीन देंगे. जबकि आइसोनियाजेट की अगर पॉइजनिंग होगी तो हम उस पेशेंट को विटामिन B6 या फिर इसको पाइरिडॉक्सिन भी कहेंगे प्रिस्क्राइब करेंगे. हेपरिन टॉक्सिसिटी में हम प्रोटामीन सल्फेट का यूज़ करेंगे. अगर पैरासीटामोल पॉइजनिंग यानी कि एसिटामिनोफिन की पॉइजनिंग हो जाए तो हम एन एसिटाइलसिस्टीन देंगे. जबकि क्यूरारे पॉइजनिंग में हम टेंसिलॉन का यूज़ करेंगे. काउमेडिन के केस में हम विटामिन के प्रिस्क्राइब करेंगे. अगर डिजिटालिस टॉक्सिसिटी होती है पेशेंट को तो हम उस केस में डिजिबाइन का यूज़ करेंगे. इन केस ऑफ बेंजोडाइजेपिन टॉक्सिसिटी हम पेशेंट को फ्लूमेजिनाइल का यूज़ करेंगे. पेनिसिलिन टॉक्सिसिटी के केस में हम एपिनेफ्रिन का यूज़ करेंगे. अगर विनका अल्कलॉइड जैसे कि विनक्रिस्टिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो हम हाइलुरोनिडेज का यूज़ करेंगे. नियोस्टिगमिन टॉक्सिसिटी के केस में हम प्रालिडॉक्सिम सल्फेट देंगे. जबकि बीटा ब्लॉकर्स की केस में हम ग्लूकागॉन का यूज़ करेंगे. अगर बार्बिट्यूरेट्स की टॉक्सिसिटी होती है तो हम एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ करेंगे. इन केस ऑफ लेड पॉइजनिंग वी विल यूज़ EDTA यानी कि एथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट यूज़ करेंगे या फिर हम डाइमर कैप्रोल या फिर इसे बाल भी कहते हैं. बाल का फुल फॉर्म है ब्रिटिश एंटीलोएसिड, हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं. मैग्नीशियम सल्फेट के केस में हम कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन देते हैं. एंटी कैंसर ड्रग्स जैसे कि मीथोट्रेक्सेट या फ्लोरोयूरासिल की टॉक्सिसिटी के केस में हम ल्यूकोवोरिन कैल्शियम देते हैं. क्लोरोक्विन की टॉक्सिसिटी अगर होती है तो हम इस केस में डाइजीपैम का यूज़ करेंगे. एम्फेटामीन की टॉक्सिसिटी में हम प्रोपेनोलॉल प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को. जबकि अगर आर्सेनिक की टॉक्सिसिटी हो जाए तो हम डाइमर कैप्रोल का यूज़ करेंगे. कार्बोमेट्स की टॉक्सिसिटी के केस में हम एट्रोपिन का यूज़ करते हैं. माओ इनिबिटर्स की अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो हम उस केस में फेंटोलामीन का यूज़ करेंगे. जबकि अगर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स यानी कि TCAs की टॉक्सिसिटी हो जाए तो इस केस में हम बेंजोडाइजेपिन्स, फेनिटोइन या फिर फाइसोस्टिग्मीन का यूज़ करेंगे. बीटा एंटागोनिस्ट की टॉक्सिसिटी के केस में हम ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन का यूज़ करते हैं. थियोफाइलिन केस में हम एक्टिवेटेड चारकोल और बीटा एंटागोनिस्ट का यूज़ करेंगे. जबकि ओपिएट्स की टॉक्सिसिटी में हम नैलोक्सोन सोडियम को एंटीडोट के फॉर्म में यूज़ करते हैं. ऑक्सीटोसिन के केस में हम अटोसीबान एंटीडोट यूज़ करते हैं. इंसुलिन इंजेक्शन की अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो इस केस में हम ग्लूकोज देते हैं. जबकि साइनाइड पॉइजनिंग के केस में हम अमाइल नाइट्रेट को एज एन एंटीडोट यूज़ करते हैं. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट एंटीडोट जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं. आज की वीडियो में बस इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम फार्मा ट्यूटर. थैंक यू.